हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनिका किचन। यदि आपने ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस सूजी बॉल्स बनाने हैं एकदम परफेक्ट तरीके से, तो इसकी रेसिपी आप फुल वॉच करिएगा। सूजी बॉल्स परफेक्ट बनाने के लिए सूजी और पानी का रेशो हम नाप के लेंगे, तभी हमारे सूजी बॉल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने इसी बॉल से एक बॉल सूजी ली है और इसी बॉल से हम डेढ़ बॉल पानी लेंगे, तभी हमारे सूजी बॉल्स टेस्टी और एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ बनेंगे। सूजी बॉल्स बनाने के लिए ही मैंने एक बर्तन लिया है। अभी इस बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने दो हरी मिर्चे और थोड़ी सी अदरक ली है, इसे जरूर ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूजी बॉल्स का। तो ये ऐड कर देंगे, हींग पहले ऐड करना रह गई थी तो थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक मिनट तक अदरक हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च और अदरक एक मिनट पकाने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, पानी का रेशो इसमें परफेक्ट होना चाहिए, तभी सूजी बॉल्स अच्छे बनेंगे आपके। यानी एक कटोरी सूजी तो डेढ़ कटोरी पानी ऐड करेंगे। सूजी आप कोई सी भी लें, पतली लें, मोटी लें, कोई सी भी लें, लेकिन सूजी और पानी का रेशो आप नाप के ही लें। और फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे और ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ली है उसे ऐड कर देंगे। यदि आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड करी है और रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड करी है। यदि इस रेसिपी को आप देख के सूजी बॉल्स बनाएंगे तो एकदम आपके परफेक्ट बनेंगे और ये ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये बच्चों क्या बड़ों को भी ये सूजी बॉल्स का ब्रेकफास्ट बहुत ही पसंद आएगा। और अब आप देख रहे हैं पानी में बॉयल्ड आ गया है, अब इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। जब पानी में बॉयल्ड आने लगे तभी आप सूजी ऐड करिएगा। और अब अच्छे से हम सूजी को स्टर कर देंगे। सूजी को हम करछी से प्रेस करते हुए लगातार स्टर करेंगे, बिल्कुल भी इस पॉइंट को जो है हम स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो सूजी जो है तले पर लगेगी, इसलिए इस पॉइंट पे आप लगातार सूजी को स्टर करते रहें। जब हम सूजी को पानी में डालते हैं तो सूजी एकदम जो पानी है सोख लेती है, इसलिए इस पॉइंट पर आप ध्यान रखें, फ्लेम को आप जरूर लो रख कर दें पहले, तभी आप सूजी इसमें ऐड करें। सूजी को जब हम पानी में ऐड करते हैं और सूजी जो है सारा पानी सोख लेती है तो सूजी जो है भारी होने लगती है। हम लगातार हिलाते रहेंगे जिससे सूजी जो है तले पर लग ना जाए, और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो ये देखिए सूजी जो है अच्छे से ठीक हो गई है, एकदम आटे की डो की तरह हो गई है। और अब हम देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट को इसे लेकर, और इसकी पहचान ये होती है जब हम थोड़ी सी सूजी लेते हैं तो सूजी में थोड़ा सा राउंड बना के देखते हैं कि यदि सूजी में राउंड अच्छे से बन रहा है और हाथों में नहीं चिपक रहा है तो यानी सूजी जो अच्छे से पक गई है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सूजी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सारी सूजी को हम जो है प्लेट में पलट देंगे जिसे सूजी जो है थोड़ी ठंडी हो जाए। सिर्फ हल्का सा गुनगुना रहने देंगे। जब सूजी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए तभी हम इसके बॉल बनाएंगे। तो ये देखिए सूजी जो है थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हाथों में हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब सूजी को हम अच्छे से आटे की डो की तरह मसल लेंगे। याद रखिए आटे जैसा डो बनाने के लिए हमें हाथों में ऑयल को जरूर ग्रीस करना है थोड़ी थोड़ी देर में, तभी आपका जो सूजी का डो है एकदम आटे की तरह बनेगा। तो ये देखिए मैंने दोबारा ऑयल से जो है हाथों को ग्रीस किया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हाथों में जब आप ऑयल लगाएंगे तभी आपका सूजी का डो एकदम अच्छा बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने और हाथों में ग्रीस किया है और सूजी का डो जो है इकट्ठा हो गया, आप देख रहे होंगे एकदम। और ये देखिए आटे के डो की तरह हमने सूजी के बैटर को तैयार कर लिया है। अब इस बैटर को थाली के एक साइड पे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, थाल के आधे साइड पे हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। दोनों हाथों को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए हमें ऐसे ही छोटे छोटे
बॉल बनाने हैं। कि हम दूसरा बॉल बना देंगे, उसको भी प्लेट के साइड पे रखते जाएंगे। तो ये देखिए सूजी बॉल सारे तैयार हो गए हैं और सूजी बॉल्स एकदम परफेक्ट बने हैं। यदि मेरी रेसिपी देखकर आप सूजी बॉल्स बनाएंगे तो आपके सूजी बॉल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे। अब हम एक छानी लेंगे, उसे ऑयल से जो है हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें सारे सूजी बॉल्स हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारे सूजी बॉल्स को मैंने छन्नी में डाल दिया है। तो ये देखिए ये एक पतीले में मैंने पानी बॉयल्ड होने रखा है। तो ये देखिए पानी जो है बॉयल्ड हो रहा है। अब इसके ऊपर हम ये छानी रख देंगे और छानी को हम एक थाली से कवर कर देंगे। अब सूजी को हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे। अब प्लेट को हम हटा देते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं। अब एक तीली से हम इसको देख लेंगे। यदि तीली पे सूजी नहीं चिपकी है तो सूजी बॉल्स हमारे बन गए हैं। और आपने देखा होगा सूजी जो है बिल्कुल भी स्टिक पे नहीं चिपकी है। तो सूजी बॉल्स परफेक्ट बन गए हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। आप 2-3 मिनट बाद ही सूजी बॉल्स को जो है अलग करिएगा, क्योंकि तभी सूजी बॉल्स एक एक अलग हो जाएगा। और ये इजिली एक एक अलग हो जाती है सूजी बॉल्स, और खाने में भी उतनी ही ये टेस्टी होती है। तो ये देखिए सूजी बॉल्स एक एक अलग है। तो सूजी बॉल्स को हमने अच्छे से स्टीम कर लिया है। अब इसको एक तड़का लगेगा, बहुत ही सिंपल तड़का लगेगा। ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें जो है अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा इसमें अब हम बटर डाल देंगे। क्या होगा, बटर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर हम थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। उससे बहुत अच्छा और डिलीशियस टेस्ट आएगा। जब बटर हल्का सा मेल्ट होने लगे तो इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे। जब राई तड़कने लगे तो इसमें थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डाल देंगे तोड़ के। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसे 1 मिनट के लिए स्टर कर देंगे। 1 मिनट बाद ये मैंने 1 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है। आप चाहें तो सांभर मसाला भी ले सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और इसे 1 सेकंड के लिए स्टर कर देंगे मसाले को। अब इसमें हम सूजी बॉल्स ऐड कर देंगे। सूजी बॉल्स ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। एक बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनेगा गाइस। इस सूजी बॉल की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे जरूर घर पे ट्राई करना। और सूजी बॉल्स दिखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर से धनिया गार्निश कर देंगे। और ये हो गया हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस जो हम सूजी से बॉल्स बनाते हैं हाथों से, बस थोड़ा टाइम उसमें ज़रूर लगता है। बाकी सूजी बॉल्स का ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी रेडी भी हो जाता है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और सूजी बॉल्स को करेंगे गर्मा गर्म सर्व। सूजी बॉल्स को करेंगे हम सर्व। सूजी बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेकफास्ट लग रहा है दिखने में। आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। जय माता दी।